आज हम बना रहे हैं बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टिंग अश्वगंधा के साथ ड्राई फ्रूट्स आटा लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने कुछ काजू बादाम लिया है, किशमिश है और ये कुछ सनफ्लावर और वाटरमेलन सीड्स हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम हम लो से मीडियम ही रखेंगे और इन्हें हार्डली 4 से 5 मिनट के लिए हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आप चाहें तो इन्हें घी में भी थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ड्राई रोस्ट में क्रंच आ जाएगा हमारे लड्डुओं में। हमने 4 से 5 मिनट लगभग बिल्कुल धीमी आंच पे अपने ड्राई फ्रूट्स को चलाते हुए फ्राई कर लिया है। अब हल्का हल्का इनका कलर भी चेंज हो गया और इनसे स्मेल भी आने लग गई है, तो इस स्टेज पे हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब हम अपने ग्राइंडर जार में हमारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और इसी के साथ मैं ये कुछ लगभग 10 से 12 इलायची भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आगे चल के हम इस लड्डू में अश्वगंधा के पाउडर ऐड करेंगे, तो बिल्कुल मेडिसिनल टेस्ट ना हो जाए इसलिए इलायची की क्वांटिटी हम थोड़ी ज्यादा, हमें इसका बिल्कुल एक फाइन पाउडर नहीं बनाना, हम इसे पल्स पे चलाएंगे, मतलब 1 सेकंड चला के फिर बंद। हमारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं लड्डू बनाने। मैंने एक ये नॉर्मल कटोरी ली है, हम मेजरमेंट इसी कटोरे से करेंगे। ये मैंने 1/4 कटोरी घी ली है। हम इसी कटोरे से फिर 1.25 कप लगभग हम आटा लेंगे। ये 1 कप आटा और ये 1/4 कप और। अब हम इसे बिल्कुल कंटिन्यूस लो फ्लेम पे हम इसे स्टर करके मिलाते रहेंगे, जब तक कि हमारा आटा बिल्कुल भुन नहीं जाता और इसका कलर नहीं चेंज हो जाता और इससे अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। ये लम्ब्स आप तोड़ते रहें और अपने आटे को अच्छी तरह से स्टर करके ऐसे हिलाते रहें। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल दरदरा हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से भुना नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे हिलाते हुए चलाते हुए इसी तरह हमें पकाना है, जैसे हम पंजीरी के लिए आटा भूनते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और जब इसमें लम्ब्स आए तो आप इन लम्ब्स को अच्छे से यूं ब्रेक कर दीजिए। हमारे आटे का कलर भी चेंज हो गया है और अब इससे एक हल्की खुशबू भी आ रही है, जो जब आप फ्राई करेंगे तो आपको उस टाइम पता लगेगा। इस स्टेज पे हम अपना गैस ऑफ कर अब हम इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। ये मेरे पास अश्वगंधा का पाउडर है, ये मैंने मार्केट से लिया था, तो इसका मैं बस 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हम मैंने रोस्ट करके पहले ही रख लिया था। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम वेट करेंगे, जब हमारा ये आटे का मिक्सचर बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, वरना अगर आप गर्म में शक्कर ऐड कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी और फिर ये लड्डू बन नहीं पाएंगे। तो आप वेट करिए, जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। मैं ये बिल्कुल ही फाइन ग्रैन्यूलेटेड दरदरी बहुत ही बारीक शक्कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा कि जब हम इसे लड्डू को खाएंगे तो एक बहुत ही दरदरा सा टेस्ट आएगा। मैंने अभी 1/2 कप शक्कर ऐड की है, आप बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस टाइम पे इस स्टेज पे आप खा के थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना मीठा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना शक्कर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमारा ये मिक्सचर जो है वो बाइंड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। ध्यान रखें कि हमें हिसाब से घी ऐड करना है, अगर हम घी बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तब भी हमारे लड्डू लड्डू के शेप के नहीं बनेंगे, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। मैंने ऊपर से इस मिक्सचर में लगभग 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है और अब इसका टेक्सचर बिल्कुल ही बाइंडिंग वाला हो गया है, तो अब इससे लड्डू भी फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ और फिर लड्डू बनाना स्टार्ट। इसे हम यूं बाइंड करते जाएंगे टाइटली।
और इसे अच्छे से हम थोड़ा शेप भी देने की कोशिश करेंगे अपने हथेलियों में यूं दबा दबा के। हमारा लड्डू बन के बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से हम अपने सारे लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। हमारे सारे लड्डूज बनके बिल्कुल रेडी हैं। इतने क्वांटिटी से 1.25 कप आटा और बाकी भी जो ड्राई फ्रूट्स और ये सब कुछ लिया है उससे ये 21 पीसेस लड्डू बनके तैयार हुए हैं। इसके स्टोरेज के लिए आप इसे एक एयर टाइट बॉक्स में भर के फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। ये 10 दिनों तक बिल्कुल खराब नहीं होगा।